उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हर दिन कोई न कोई उलटफेर देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक और बड़ी खबर ने सबको चौंका दिया है। बसपा के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली के अब सपा में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। गुड्डू जमाली बसपा के लोकसभा 2024 के प्रत्याशी भी हैं। इस खबर को सपा नेताओं की सोशल मीडिया की पोस्टों से बल मिल रहा है। यहाँ पर कई पोस्ट तो ऐसे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेरे बुलावे पर गुड्डू जमाली सपा में आ रहे हैं, मैं उनका आभारी हूँ। कहा यह भी जा रहा है कि 28 फरवरी को सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में गुड्डू जमाली पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस खबर से सबसे ज़्यादा धक्का अगर किसी को लगा होगा तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, क्योंकि शाह आलम गुड्डू जमाली मायावती के बेहद करीबियों में शामिल रहे हैं। बताया चले कि शाह आलम गुड्डू जमाली का पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शुमार होता है। उनकी राजनीतिक हैसियत और कद ऐसा है कि चाहे चुनाव हारे या जीते, ना तो उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ना ही उनके राजनीतिक रुतबे में। उनकी एक और पहचान है कि उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। ऐसे में गुड्डू जमाली के पार्टी में शामिल होने पर पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। वहीं अगर बात करें गुड्डू जमाली की, तो वह आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से दो बार के विधायक रह चुके हैं। 2022 के चुनाव से ठीक पहले सपा में एंट्री लगभग हो चुकी थी, लेकिन फिर बात नहीं बनी क्योंकि बसपा छोड़कर आए थे तो वापस जाना मंजूर नहीं था। फिर MIM का हाथ पकड़ा। ये शाह आलम गुड्डू जमाली का जमाल ही था कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता 3 दिनों तक आजमगढ़ जिले की खाक छानता रहा, लेकिन इस बार गुड्डू जमाली विधायकी में हैट्रिक लगाने से चूक गए थे। कुछ दिनों के बाद फिर से बसपा में उनकी वापसी होती है। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में भी टिकट दिया। जमाली को 266,210 वोट मिलते हैं। कहीं न कहीं गुड्डू जमाली का यह प्रदर्शन धर्मेंद्र यादव की हार का कारण भी बन गया। जमाली की भले ही हार हुई, लेकिन तब तक आजमगढ़ की आम जनता गुड्डू जमाली को अपने दिलों में बसा चुकी थी। लोग कोरोना काल से लेकर उनके तमाम अच्छे कामों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। बहरहाल तभी से शाह आलम गुड्डू जमाली बसपा के अधिकृत प्रत्याशी भी थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक खबर छनकर आई और खबर ये थी कि शाह आलम गुड्डू जमाली की एक बार फिर सपा में वापसी हो रही है। वैसे लगभग ये खबर पक्की भी है, बस औपचारिकताएं शेष हैं। लोग कयास ये भी लगा रहे हैं कि इस बार गुड्डू जमाली को सदर से सपा चुनाव भी लड़ाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पर BJP के साथ मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।